वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो होने वाला है बर्थडे व्लॉग। आप सोच रहे हैं बर्थडे व्लॉग किसका है, क्योंकि हमारे घर में सारे बर्थडे तो हो गए हैं यार इस साल में, अब होगा जो होगा। तो आज आप इस व्लॉग में देखने वाले हो पहली बार तहुरा का बर्थडे सेलिब्रेशन, और पहली बार मैं उसको बर्थडे सरप्राइज भी दे रही हूँ। आज मैंने सोचा था कि यार मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी और सारा कुछ अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा ना वो उसको दूंगी, और उसको कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। मैंने उसकी मम्मी से कल ही बात कर ली थी कि आप उसको भेज देना बिल्कुल टाइम से आज, और आज अभी वो थोड़ी देर में आने वाली है और मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही सारी डेकोरेशन की चीजें जो हमने मंगा लिया, और इसके लिए मैंने फ्लावर्स मंगवाए जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं यार, वाओ ये देखो। और उसमें है तहुरा का गिफ्ट और ये हूँ मैं। तो यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए कि सारा कुछ सब कुछ कैसे होता है, और बहुत मजा आएगा। आप ब्लॉग को एंड तक देखना कि उसका रिएक्शन क्या होता है, मुझे भी खुद नहीं पता वो क्या सोचेगी क्या होगा। और गाइज आज है 14 फरवरी, आप जब भी ये ब्लॉग देखोगे मुझे नहीं पता कब है, लेकिन मैं आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहूंगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये इतना अच्छा लग रहा है, ओ भाई इसकी स्मेल इतनी अच्छी है यार, इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है ना सच में यार, देखो। चलो अभी हम जल्दी से काम पे लगते हैं, मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि हम डेकोरेशन कैसे कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर करेंगे हम लोग। चलो आ जाओ करते हैं। और हम डेकोरेशन इस वाली वॉल पे करने वाले हैं, क्योंकि यही खाली वॉल है पूरी, यहाँ पर से हम ये सोफा हटा के इधर कर देंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे पहले मैंने भी अपना एक वीडियो एडिट करी थी तो उसमें टाइम लग गया, मुझे जल्दी भी सब कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कर्टेंस लगा देती हूँ टेप की जगह यार। मैंने जो थीम सेलेक्ट किया ना उसको ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने उसको आपने देखा भी होगा वो ब्लैक कपड़े भी ज्यादा पहनती है, उसका फेवरेट कलर है, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए ब्लैक और सिल्वर थीम रखी है। हमने रूम चेंज कर दिया अपना डेकोरेशन का, हम आ गए हैं अपने रूम में, क्योंकि हमें लगा वहाँ पे कि सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। और मैंने अपने बाल भी बना लिए ऐसे, क्योंकि यार गर्मी लग रही थी बहुत ज्यादा। और हम अपनी वॉल पे करने वाले हैं सारा डेकोरेशन, हमने सोफा को जो है वो हटाकर इधर रख दिया इधर। चलो अब बिना बात बनाए जल्दी से यहाँ से सारा कुछ हटाते हैं और डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और अभी समरीन लगा रही है बलून, और काजल अभी बलून नीचे बैठ के फुलाती रही है। चलो डेमो दो, तहुरा बस आने वाली है, आधा घंटा है बस, अभी डेकोरेशन कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। हाँ ये देखो ये सारा कुछ तो लग गया हमारा, ब्लैक और सिल्वर का थीम पूरा, तो फुल डेकोरेशन हो गई है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने डेकोरेशन कैसे की है। आपने डेकोरेशन बिल्कुल डन है, अब मैं बस तहुरा का वेट कर रही हूँ और केक का वेट कर रही हूँ, हमारे जल्दी से केक पहुंचे ताकि हम जल्दी से केक को सेट करें। यहाँ पे सिर्फ केक की कमी है और बाकी बस हम लोग बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। 6:30 बज गए, बिल्कुल पक्का 6, देखो बिल्कुल पक्का 6 बज रहे हैं। बिल्कुल मैंने उसको 6 बजे का टाइम दिया था, वो पता नहीं 1-2 मिनट बाद पहुंचने वाली होगी, क्योंकि वो बिल्कुल टाइम पे पक्का पहुंचती है। तो बस चलो जल्दी से हम, मैं अपने बाल भी ठीक कर लेती हूँ, मैंने हेयर स्टाइल तो बना रखी है। सबसे बेस्ट जो चीज लग रही है मुझे ये लग रही है, ये बहुत ज्यादा अच्छा। भैया यहाँ हम केक लेने के लिए पागल हो रहे हैं, डिलीवरी वाले जो भैया है उन्होंने हमें पागल कर दिया पूरा, मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि किधर आना है किधर नहीं आना है, पागल कर दिया बिल्कुल। मैं कब से एड्रेस बता रही हूँ। तो सुबी रानी तैयार हो रही है मेकअप, मुआ हमारी मुआ कर दो ऐसे वाला, अरे मेकअप आर्टिस्ट लिप्स पे क्या करना है बेटा, लिप्स पे तो बिल्कुल लाइट मेकअप होना चाहिए, बच्चा है जिसको मेकअप हो रहा है कल ये बच्चा चला जाएगा। आइस 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 पे ग्लिटर लगाएंगे हम इनके, इधर देख बच्चा इधर देख इधर देख, मुंडी टूट जाएगी मैम, बस मुंडी तो मेरी टूट रही है बेटा, इसलिए तो मैं आस्ते से चलती हूँ। हैप्पी बर्थडे। मैं व्लॉग जैसे की कर रही थी तो मैं आपको तहुरा से मिलवा देती हूँ, वो भी आ गई है हमारे साथ आज, और हम सब साथ में जाने वाले हैं, और पता नहीं कहाँ जाने वाले आज तहुरा का बर्थडे भी, वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ हैप्पी बर्थडे तहुरा, थैंक यू, और आप सब भी विश करना है इसको कमेंट में ताकि इसको अच्छी अच्छी विशेष मिले। हम दोनों साथ में पहली बार है इसके बर्थडे वाले दिन, वरना कभी हाँ। बहुत पहले आई थी मैं एक बार बर्थडे पे आज वाले टाइम, और बहुत साल पहले आई थी लेकिन हाँ। तो चलो अभी निकलते हैं हम लोगों को, जैसे बाहर जाना बर्थडे है इसका बर्थडे विश कर दीजिए, तो हम अभी बाहर निकल के, जैसे की वैलेंटाइंस डे है आज तो वैलेंटाइन, और इसका बर्थडे भी हो जाएगा, इसका बर्थडे तो छोटा मोटा यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो हम मेन वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे थे, बता दूंगी, और लाल लाल पहना है ये देखो, हम चार लोग जाएंगे आज और बहुत मजे करेंगे।
गाइस तो कुछ ही देर में समरीन तमुरा को लेकर आने वाली है और वो आ चुकी है। उसकी मम्मा ने कुछ भी नहीं बोला था, हम लोगों ने मना किया था, लेकिन मैंने हम लोगों ने उसको बोला है कि हम वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने बाहर जा रहे हैं। पर वो लड़की इतनी शातिर है कि वो लड़की नहीं, वैलेंटाइंस डे तो है ही लेकिन मेरा भी बर्थडे है आज, तो सुबह मेरा बर्थडे भी है ना, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा कुछ वो समझ रही है और रेडी होके आई है बिल्कुल। तो देखते हैं यार क्या होता है, वैसे बहुत दिमागदार है वो, समझ तो गई होगी। चलो हैप्पी वैलेंटाइंस डे, पूरा बंद करो, वैलेंटाइंस डे का दिख रहा है यार। नहीं मैंने आके बंद कर, बंद करो, एक सेकंड आ जाओ, चलो 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 खड़ी हो जाओ, पहले आगे 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 चलो बताओ तहुरा कैसा लगा? बहुत अच्छा गाइस, ये सारा केक पे नहीं गिरना चाहिए था लेकिन ये गिर चुका, कोई बात नहीं हटा के हम ठूस लेंगे। ये इनको मिस इंडिया का वो मिल रहा है, सेफ्टी पिन दे दो। अब हम करने वाले हैं केक कटिंग, कटे चलो 1 2 3 एंड स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे तहुरा, हैप्पी बर्थडे तहुरा। और मुंह पे नहीं लगाने की रस्म होगी, मुंह पे नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहती क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी समझ में आता है यार कि बिल्कुल खराब नहीं होना चाहिए मेकअप। केक पे केक, केक पे केक, केक पे केक, केक के पी पी। अब हम करेंगे खान पान जो कि अभी मैंने ऑर्डर कर रखा है गाइस, तो अभी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर बाद आएगा। जो मैं तुम्हारे लिए तवरा ज्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैंने बस थोड़ा बहुत जो हुआ मैंने तुम्हारे लिए किया। नहीं मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन तो इतनी नहीं थी। इतनी क्या, थोड़ी तुम्हारी क्या थी, तुमने कुछ सोचा था कुछ भी करूंगी? नहीं सोचा था, मुझे लगा बस ऐसी मिलने के लिए बुला रहे। मैंने भी सोचा था कि बिल्कुल पता ना चले, मैंने बिल्कुल बोला था कि बिल्कुल मत बताइएगा कुछ भी कि मैंने क्यों बुलाया है। हमको तो मैंने बताया था। गैस करो क्या हो सकता है। रॉन्ग, अब खोल के ही देख लो। अब कुछ नहीं, अब हो गया खत्म। अब एक बार था बस करना। नहीं भाई तीन बार होता है, नहीं हो गया, एक बार होता है हमारे में। हो गया, सही गैस। और पर्पल मैंने तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि आई पर्पल यू। कलर अच्छा ना, बताओ ये। वैसे तहुरा पता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ये वाला सेक्शन काम आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो चिल्लर होता है ना, तो तुम यही यूज करना। और तुम्हारा ये फोन भी मेरी तरफ से और मैं भी मेरी तरफ से। ले लो ले लो ले लो, मेरी हुई। अब हम पहले थोड़ा सा खा लेते हैं, पी लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं, दिखाते हैं जो भी होता। अभी हमारी टी पार्टी होगी। यस टी पार्टी, काजल पिंकी पिंकी काजल बनी हुई है बिल्कुल। गाइस हमारा ऑर्डर आ गया जो कि काजल लेकर आई है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रख दो रख दो। इसको ही लाकर दे दिया यहाँ, रख दो। और अभी हमारे साथ एक बहुत बड़ी चीज हो गई है जिसको मैंने भूल कर अभी केक कटिंग की, पता नहीं मैंने दिमाग से बिल्कुल साइड किया उसको, क्योंकि पूरा बहुत ही वो हो गया था कि यार क्या हो गया एकदम से। बिल्कुल हम केक कटिंग करने जाते, उससे पहले हमें खबर मिली कि पापा हमारे बाहर गए हुए थे अभी, और पापा का लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप बैग ही खो गया है। अब वो कहाँ गया, कैसे गया, किसने लिया, कुछ पता नहीं। देने दिखाओ गाइस। तो चलो अभी हम खाने के लिए चलते हैं, खा लेते हैं सब लोग, और हमारा सब कुछ खाने के लिए ऑर्डर आ चुका है। ये रहे हम लोग, चलो ये सारा कुछ आ गया, अभी हम लोग खा लेते हैं। गाइस ये पता है बर्थडे गर्ल को खाने नहीं दे रही, उसको बस एक टुकड़ा पकड़ा दिया बस। कितना झूठ बोलते हैं यार सब लोग यहाँ पे। कैसन बा, बहुत अच्छा बा। चाय के साथ पिज्जा कौन खाता है सच में? चाहिए इसके साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए। हा, पर यहाँ तो सबका गला खराब है, तो हम मैकेनिक के पास जाएंगे, वहाँ ठीक करवाएंगे। जो बैग खोया था वो हमें फाइनली मिल गया है माशाल्लाह से, यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब अभी जब से ये बात पता चली थी ना, सबके सब बिल्कुल टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया, पापा मम्मी सब लोग टेंशन में आ गए थे, लेकिन अब चलो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हम लोग खा रहे हैं, अभी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद आज तौरा मेरे साथ स्टे करने वाली है वैसे, और आज हम रुक के बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा हमें। ये देखो अभी हम लोग कर रहे हैं आफ्टर पार्टी, अभी पार्टी हुई नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम ये सब क्लीन कर रहे हैं यहाँ बर्थडे गर्ल को देखो। और यहाँ हूँ मैं, अच्छे से काम कर रही है, कर रही है अच्छे से। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, स्टैंड जीत गया भाई, मंडली में से कोई भी जीतता था। हाँ। दो शिव और वो जो दोनों थे ना, मुझे मेरे फेवरेट थे वैसे, मेरा मन था कि स्टैंड भी जीत जाए, और क्योंकि शिव तो ऑलरेडी विनर है। निप्रित की जीत थी तो कोई बात नहीं,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रियंका ही जीतेगी क्योंकि हाँ, बहू जो होती है टीवी सीरियल की उसको जिताते हैं। इस बार हम गलत निकले और बहुत ही अच्छा हुआ। वैसे तो मुझे अच्छा लगा। स्टैन की जो है ना फैन फॉलोइंग बहुत है। तो अब हम करने जा रहे हैं कॉपी राइट प्रॉब्लम। अब ये वाला म्यूजिक को यूज करेगा तो कॉपी राइट मानूंगी। स्पीचलेस हो गई मैं। स्पीचलेस हो गई कि ओह माय गॉड। चलो गाइस ऐसे कैसे करा सभी ने। गाइस बहुत नाच गाना करने के बाद तहुरा की संगीत मेहंदी हल्दी सब करने के बाद हम फाइनली अब खाना खा रहे हैं। और ये तहुरा को पहले मैं वो कर देती हूँ। चलो नजर उतार देती हूँ पहले इसकी। लाइट इतनी कम की है भाई। ना शर्माए खाए आई निकालो। मैं अभी इसका हाथ बटा रही हूँ। सही से बैठो। हमने खाना खा लिया और तहुरा जा रही है। चलो हम भी दिखा देते हैं लास्ट बर्थडे बल को। मैं टांग कर बिल्कुल तैयार। तुम्हें क्या पता था कि हम बंद कर दे इसको। तुम्हारे पास देर है काशिप को जाके बोलो कोई डिलीवरी वाला आया। यार मैं हंस गई। गिफ्ट तो दो भाई। देख रही हूँ कितनी तेज है। बस बहुत मजा आया आज हमें। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और यहीं पर खत्म होता है व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो फिर को लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो समरीन अली व्लॉग्स ताकि मेरे जल्दी से 900K हो जाए। मैं बहुत वेट कर रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करो। आपको आईडी नंबर दिख रही होगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय।